आगामी 25 जून को राजधानी में प्रस्तावित आंदोलन किए जाने के ऐलान के बाद से ही विभाग में हड़कंप मच गया है। इस ऐलान के बाद शासन प्रशासन ने अपने अपने स्तर पर इस आंदोलन को वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिसकर्मियों पर शुक्रवार से ही बर्खास्तगी की गाज गिननी शुरू हो जाएगी। ऐसे में पुख्ता जानकारी मिली है कि कुछ पुलिसकर्मियों की लिस्ट बनकर तैयार की जा चुकी है, जिनकी बर्खास्तगी का ऑर्डर जारी हो जाएगा। गुरुवार को डीजीपी एएन उपाध्याय की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पुलिसकर्मियों के लिए आखिरी अल्टीमेटम के तौर पर माना गया था, जिसके बाद अब किसी भी तरह की रियायत पुलिसकर्मियों को नहीं दी जाएगी। जिस किसी भी पुलिसकर्मी या उसके परिवार के सदस्यों की सहभागिता इस आंदोलन में पाई जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में पुलिस परिवारों के प्रदर्शन की चेतावनी पर सवाल भी उठ रहे हैं और सस्पेंस भी छाया हुआ है। एक बड़ा तबका पुलिसकर्मियों के परिवारों की मांगों पर सहानुभूति जता रहा है और उनका समर्थन कर रहा है, तो वही दूसरी ओर एक तबका मांगों को जायज ठहराने के बावजूद आंदोलन के कदम को गैर वाजिब बता रहा है। लेकिन इन सबके बीच सभी की नजरें सरकार के कदम पर टिकी हुई हैं। तो सरकार का क्या कुछ ठोस कदम होने वाला है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि सरकार को ही फैसला करना है कि किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है उनके परिवारों के लोग इस तरीके से अब लगातार आंदोलन की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 25 तारीख से वो आंदोलन करने के लिए तैयार होने की बात कर रहे हैं। रायपुर में आंदोलन किया जाएगा तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है उसमें आंदोलन करने की बात तमाम परिजनों के माध्यम से की जा रही है, और ये परिजन आम जन नहीं है। दरअसल ये परिजन देश की रक्षा करने वाले, राज्यों की रक्षा करने वाले पुलिस विभाग के लोग हैं। एवं अन्य वर्ग के व्यक्तियों के उकसावे में आकर ऐसे अनुशासित पुलिस अधिकारियों के परिजन उकसावे या बहकावे की स्थिति में कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे अनुशासित पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की बदनामी हो रही है। उन परिजनों के साथ हमेशा पुलिस शब्द जुड़ के आता है, चाहे जिस मीडिया में हो। काम परिजन करे पर साथ में बदनाम हो, पुलिस भी हो रहा है, पुलिस भी हो रही है जो पूरी तरह अनुशासित और अपना काम कर रही है। 15 साल के शासनकाल से जो भी इनकी जो लाभ ना है पुलिस का, वो तो अंग्रेजों के जमाने का है। हमारे 15 साल के शासन में हमने प्रताड़ित किया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मांग करते हैं परिवार के लोग, तो उस मांग पर विचार करें कि सरकार, ऐसा मुझे लगता है। परिवार के लोग क्यों नहीं कर सकते भाई, परिवार के लोग क्यों नहीं कर सकते? अब उसको ये लोग उचकाते हैं कि नहीं उचकाते हैं, इसके संबंध में तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक किसी भी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर सकता है, और उसके गुण दोष के आधार पर उसका निर्णय करना सरकार का काम है। पुलिस के लिए पूर्ण रूप से पहल है, जहाँ भी हमारा चाहे नक्सली क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में भी उनके लिए आवास की व्यवस्था, नक्सल भत्ता और सारे पूरे प्रदेश में उनके रहने के लिए 10,000 आवास बनाए जा रहे हैं, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई की ध्यान रखा गया है। तो ये आज जो स्थितियाँ हैं कहीं ऐसा नहीं है। पुलिस हमारा एक अनुशासित विभाग होता है, जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी, राष्ट्र की सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा और समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहता है, इसलिए उनकी चिंता सरकार करती है। तो इसी मुद्दे पर और भी चर्चा करने के लिए अपने तमाम दर्शकों को सीधे लिए चलते हैं रायपुर स्टूडियो के भीतर, जहां पर हमारे स्टेट हेड आरके गांधी जी तमाम मेहमानों के साथ मौजूद हैं। जी गांधी जी, काफी अहम मुद्दा है और इस मुद्दे पर पहले जिस वर्ष से पुलिस कर्मी द्वारा ये बातें कही जा रही है कि वो नक्सली बन जाएंगे, आपने बहुत आश्चर्यजनक बात, प्रदेश
नकली एक नाकू है और उस नाकू में इस तरह से उनसे लड़ने के लिए उनसे फाइट करने के लिए पुलिस कर्मी आगे रहते हैं। अगर वो ऐसा बोले तो इस सिस्टम का दुर्भाग है और इसमें किस तरह से आगे जा करने की गुंजाइश है तमाम लोगों पर कहते हैं कि गौरीशंकर शिवाज जी हैं, बीजेपी से रविकांत कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही मनीष दयाल जी हैं, कांग्रेस से भले ही इसका समर्थन कर रही हो, लेकिन एक बात और है कि बंसीलाल महतो ने भी कहीं ना कहीं बदली जुबान पुलिस कर्मियों के परिजनों के इस आंदोलन का समर्थन किया। सबसे पहले क्या होगा उसके पहले जिस तरह से स्थिति निकल के सामने आ रही है, सरकार ये बताना चाह रही है कि हमने पुलिसकर्मियों के लिए क्या कुछ किया है, कितनी संख्या बढ़ी पुलिसकर्मियों के लिए, और साथ ही मांगिक लेकर रायपुर एसपीओ चाहे भिलाई के अधिकारियों चाहे दुर्ग के अधिकारियों तमाम अधिकारियों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि ये बताने की छत्तीसगढ़ सरकार काफी संवेदनशील है पुलिसकर्मियों के मामले में। एकांत कौशिक जी, इस पूरे आंदोलन को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं आंदोलन को तो वैसे उचित नहीं ठहराऊंगा क्योंकि वर्दी के लिए जो नॉर्म्स है उसके मुताबिक उनको रहना चाहिए, परंतु मैं इस चीज के लिए भी उनकी तारीफ करूंगा कि पुलिस बल और उनका पूरा परिवार हम पूरे समाज के लिए तमाम विपरीत परिस्थितियों में वो काम करता है और उसके लिए वो हमेशा चाहे वो हम उनके ही दम पर होली दीपावली बाकी त्यौहार हम अपने मनाते हैं। पर मैं यहां पर एक चीज और कहूंगा, ये जो वातावरण जो निर्मित हुआ है उसके लिए पुलिस मुख्यालय गृह विभाग सीधे जिम्मेदार है क्योंकि उसकी संवेदनशीलता कहां थी, उनका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था उसके लिए भी जवाबदेही बहुत भारी भरकम खर्च हो जाता है, लेकिन आंदोलन नहीं करेंगे अपनी बात को नहीं रखेंगे तो उसकी बात नहीं। मैं ये कहता हूं कि हम गुलाम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटेन शासन काल के बाद की जो पुलिसिंग की जो व्यवस्था थी उसको तो हम चला रहे हैं, पर उस दौरान भी पुलिस का डंडा सब कुछ कह देता था। आज भी पुलिस का डंडा है, परंतु तो पुलिस कई चीजों के लिए बदनाम भी है, पर तो उसके बाद भी मैं ये कहूंगा कि परिवार का और पुलिस का मानव अधिकार क्यों नहीं और उसके रिफॉर्म को लेकर के सरकार संवेदनशील क्यों नहीं। बेमिसाल 14 साल कहने वाले लोग ये तो कह देते कि आखिर सबकी सुरक्षा के लिए सबकी सुरक्षा के लिए लगे हुए लोगों के लिए उनका परिवार आंदोलन कर रहा है क्यों क्योंकि उन्होंने अनुशासन के तहत हर रखा है ना बॉर्ड। मैं कहता हूँ अनुशासन जरूरी है, परंतु अनुशासन के साथ साथ में मानव अधिकार पर भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा करूंगा तो आप एक बहुत लंबे सिस्टम पे आप प्रदर्शन करेंगे कि पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने आपको नहीं किया था 70 साल के इतिहास में, लेकिन जिस तरह से आप उनकी मांगों को देख रहे हैं साइकिल का भत्ता अभी मोटरसाइकिल का भत्ता नहीं दे रहे, साइकिल का भत्ता उन्हें काफी कम है, तमाम भत्तों का ले जाती है, क्या उस भत्ते में कुछ हो सकता है, कर सकता है, किया जा सकता है? देखिए आज विषय आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल नहीं गांधी निश्चित तौर पर प्रवेश नहीं बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि सरकार किसी भी की रहे आज प्रदेश की जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाने की जवाबदारी पुलिस विभाग की होती है, इसे राजनीति का विषय मैं नहीं देखता हूँ। और निश्चित तौर पर जिस बात में आप कह रहे हैं मैं उसी पर ही आना चाह रहा था कि कई ऐसे भत्ते हैं जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं लगते, इस बात को तो बिल्कुल स्वीकारना पड़ेगा, लेकिन ये भत्ते क्यों नहीं बढ़े, क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई, किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन में कहां पे कमी बेशी हुई, ये सब समझने की जरूरत है। और जो महत्वपूर्ण विषय इसमें ये लग रहा है कि अपनी बात अगर अधिकारियों तक आप नहीं रख पाए व्यवस्थित तरीके से तो घर वालों को सामने रख के एक प्रकार से आप जिस प्रकार से दबाव बनाने का प्रयास करें इसे भी मैं उचित नहीं मानता। देखिए देखिए अनुशासन में बंधे हुए निश्चित तौर पर सही कह रहे हैं, आज अगर इस प्रकार की चीजें होगी कल चीजें फौज में होगी सारे पैरामिलिट्री फोर्स में तब क्या सीनरी होगा, तो निश्चित तौर पे प्रथम दृष्टया देखा जाए तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं वो चीज आप बहुत दूसरे रूप में कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो बल की जो अपेक्षाएं हैं उसको अध्ययन करने की कोई चीज बनी चाहिए। और जब आईपीएस आईएएस सांसद विधायक प्रथम श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों के लिए जब सब कुछ समय समय पर होता रहता है तो पुलिस का जवान जो दिन रात आंतरिक सुरक्षा के मामले को लेकर के सब कुछ निछावर करता है उनके लिए समय समय पर रिफॉर्म क्यों नहीं, क्यों जहां अरे पुलिस वेलफेयर सोसाइटी है
पुलिस में अध्यक्ष सोसाइटी बहुत तरह से निर्णय क्यों नहीं की, इतने सालों तक वो निर्णय क्यों नहीं करी। मुख्यमंत्री जी बहुत समय में जिला निश्चित करने का निकाला जाएगा। हम मुख्यमंत्री की संवेदना पर सवाल नहीं उठा रहे। ये मुद्दा मुख्यमंत्री के पास जाना भी नहीं चाहिए था। ये मुद्दा तो मनीष जी जी ये सुधार तो आपके समय से भी शुरू में जब आपकी सरकार थी बहुत कुछ किया जा सकता था। देखिए पहले सुधार क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों नहीं होगा, इस पर दूसरी सरकार पे दोषारोपण करना मुझे लगता है होता है। अभी उनके परिवार वालों ने अपनी बातें रखी है, उस समय की बात और अभी बात ना करें। अभी महंगाई की दर क्या है, कितना रुपए खाने के लिए लगता है, क्या क्या चीज लगती है। अभी आप देखिए सुरक्षा बलों को अभी वर्तमान में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है चार पांच सालों में, जिस हिसाब से पेट्रोल से लेकर खाद्य पदार्थ से लेकर रहने का आवास से लेकर हर चीज बढ़ी है, उनके भत्ते नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो उन्होंने अपनी बात रखी है और बहुत अच्छे तरीके से बात रखी है। इसमें मुझे लगता नहीं किसी तरह से दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि पुलिस व्यवस्था में कहीं कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही, कहीं कोई डिसिप्लिनरी जो है अनडिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने परिवारजन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई है और मुझे लगता है कि कौशिक जी ने कहा था संवेदना इसमें आनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक विचार होनी चाहिए। जानकारी देखिए गिरफ्तारी वाली बात को मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अच्छे से बता पाएगी। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले एक विधायक उस पर मारपीट हुई, उनके जो जिन्होंने मारपीट की उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। गिरफ्तारी तो भारतीय जनता पार्टी का हथियार है, ये दमनकारी नीति चले आ रही है और जगह चुनाव करीब आता रहे दमनकारी की है और कास्ता पे आ जाए। ये नहीं चाहते किसी भी तरह की सरकार के खिलाफ कोई बात करे, यदि कोई सही बात भी कर रहा तो क्या रहा है। रंग नहीं देना चाहता था लेकिन मनीष दयाल जी ने इसको राजनीतिक रंग दे दिया। तो एक बात छोटा सा कहना चाहता हूँ, सीआरपी पैरामिलिट्री के जवान अगर सीमा पर कहीं भी शहीद होते हैं उनको शहीद मानने से इंकार करने वाले लोग यहां सुचिता की बात कर रहे हैं। पार्टी के नेता लाठी डंडा चलाएंगे, भाजपा को हराएंगे, जेल में कारगरी अंदर बोलते हैं और ये बात कर रहे हैं, सुचिता भी बात कर रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। रविकांत कौशिक जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शिक्षक कर्मियों के भी आंदोलन को देखा जाए, अक्सर ये कहा जाता है राजनीतिक परिदृश्य में दिग्विजय सिंह के समय जो सेटअप किया हुआ वही सेटअप चलाता रहा 23 साल तक। शिक्षा कर्मी यहाँ पर जुटते रहे अपनी मांग को लेकर, अब जाकर कांग्रेस बीजेपी के बीच जुटते जुटते अब जाकर उनकी मांग को लेकर आखिर ऐसी क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं समय रहते उसको विचार किया जाता है। सरकार इसी से पता चलता है कि सरकार की संवेदनशीलता कितनी है, इसी से पता चलता है, यही उसका प्रमाण है। मतलब एक मुद्दा जिसे भारतीय जनता पार्टी ने 2003 में आश्वासन दिया था और 2003 से लेकर अब तक के मतलब 22 साल के सफर में आप उसे निर्णय कर रहे हैं वो भी उस पर संवेदना दिखा रहे हैं। अरे बिल्कुल संघर्ष किए हैं और कितनी कमेटियां, 1, 2, 3 नहीं 19 कमेटियां, यानी समझ लीजिए कौन सी कमेटी कितना नंबर दिया जाए, सवाल ये भी उठता है। 19 कमेटियां बनने के बाद 22 साल में निर्णय कर, तो उसी से समझ में आता है, इसी से पता चलता है कि सरकार की कमेटियां कितनी संवेदनशीलता से काम करती है। ये मुद्दा भी नहीं उठता, ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इसलिए समझना चाहूंगा गौरीशंकर सुभाष जी से। गौरीशंकर जी अक्सर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती है लेकिन जब सत्ता में कोई पार्टी आती है, चाहे मैं दिल्ली की बात करूं, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ी बातें कही थी लेकिन सिस्टम में आने के बाद में वो भी असहाय महसूस करते हैं। क्या सिस्टम भी दोस्तों समझे थे कि सिस्टम का दोष है जिसकी वजह से हाथ आपके बन जाते हैं। देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वन रैंक वन पेंशन कभी उन्होंने लागू नहीं किया, हुआ ना कि किसने किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। रविकांत भैया बोल रहे हैं कि सभी जो सविजन हुआ 23 साल में किसने किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में की। तो देखिए बात इच्छा शक्ति की होती, बात सिस्टम की होती है। ये जो मामला है निश्चित तौर पर यह भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बड़ी से बड़ी समस्या का हमने समाधान किया है इसको भी बड़ी संजीदगी से। देखिए साहब जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं रहकर अगर अनुशासन तोड़ेगा तो बाकी लोगों के लिए नजीर पेश करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस विभाग पैरामिलिट्री सेना ये ऐसे डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल अनुशासित होकर यूनिफाइड तरीके से रहते हैं। अगर इसमें कोई एक दो व्यक्ति का इस प्रकार अनुशासन छोड़कर उसकी कार्रवाई नहीं होगी तो आगे चीजें पुनरावृत्ति होगी और हर सरकार जो पुलिसकर्मियों का अनुशासन है उनके परिजन है ना रोड पे। कुछ लोग इस मामले को पीछे से हवा देने का कार्य किए हैं, बिल्कुल जिनकी गिरफ्तारी हुई है, एक आरक्षक गिरफ्तार हुआ उसमें,
और भी बहुत लोगों को नोटिस दिया गया। देखिए आईबी के पास पूरे इनपुट थे, जो जो लोग संलग्न उनको नोटिस भी दिया जा रहा है। देखिए जितने लोगों का नोटिस जारी हुआ, नोटिस शामिल हुआ है, वो सरकार ने हवा में नहीं किया। गांधी जी सारी चीजों की जानकारी तथ्यात्मक मिलने के बाद ही सरकार ने नोटिस दिया। लंबे समय से ये लोग एकजुट होते रहे और एक बम फूटा तब से लोग समझ में आए करें, ऐसी स्थिति निर्मित हो गई है डिपार्टमेंट के अंदर। जी देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुगहाट तो थी काफी समय सरकार को, और उनकी मांगे जो है अलग अलग तरीके से सरकार के ऊपर जो उच्चाधिकारी है पुलिस के वहां तक पहुंची थी, लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारी कुछ किसी भी तरह कोई बातें नहीं मानी जा रही है, पहले उन्होंने काफी कोशिश की कि अंदर ही अंदर बात हो जाए पुलिस वेलफेयर कमेटी के माध्यम से, और भी बहुत सारी बातें उस कमेटी, जब उन्होंने देखा कि अंततः ये कुछ नहीं हो पा रहा, हताशा में ये तो हताशा मजबूरी जो कहते हैं उस पर इनको सड़क पर आना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, उस पर भी उन्होंने भी देखिए वो एक किसी व्यक्ति का कोई दर्द है, वो उसने अपनी बात की कि यदि भाई इस तरह की बात है तो हम नक्सली बचे, हम नक्सलियों के भी जान दे रहे हैं। आप यही नहीं देखा कि नक्सलियों के साथ वो अपनी जान दे रहे, शहीद हो रहे हैं, वो शहीदी में उनको हमेशा जो छोटे सिपाही होते हैं वो आगे आते हैं। देखिए आप कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जो है, बड़ी रैंक का अधिकारी जो है, वो बहुत कम शहीद होता है, क्योंकि अक्सर सुरक्षा बल जो छोटे होते हैं वही सामने हमेशा वन टू वन फाइट करने आते हैं। तो उनका कहना ये कि भाई नक्सली जो है उनको इतने सारे उनके नक्सली लोग सपोर्ट करते हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, उसके बाद हमको एक जो उचित मापदंड है, देखिए 18 रुपए उनको मिलता है साइकिल के लिए, मोबाइल के कुछ पैसे नहीं, और 50 रुपए मेडिकल उनके लाए। क्यों नहीं दिया बता दीजिए पहले, आप इतना बताया पार्टी ने क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं दिया बात को की देने की बात बैठे आज लगभग कर रहे हैं कांग्रेस की देने को चोरी हुआ की कांग्रेस की देने जिस सभी को 44 साल है वो 44 के देना है, 15 साल यही कांग्रेस गारंटी करते हैं, 15 साल पटक दिया कांग्रेस की देने, कांग्रेस की देने मुझे बताइए आपके मामा पड़े ये कांग्रेस कि दोनों राष्ट्रीय दल किस प्रकार से कौन से मुद्दे को कहां ले जा सकते हैं, पुलिस और जनता के बीच का जो रेशियो होना चाहिए, लेकिन ये रेशियो कभी भी इसको ऐसी तरह को नहीं हुई। कहा यह जाता है कि हम विश्व की चौथी बड़ी सेना के साथ में इंडिया यहाँ पे मौजूद है, चंद्रगुप्त मौर्य समय की सेना की संख्या जो बताई जाती है जो पुरानी किताबों में पढ़ने लिखने में मिलता है 3,00,000 उनकी सेना हुआ करती थी, विश्व की बहुत बड़ी सेना थी, और उस समय जब पूरा सर यहाँ पहुंचे तो सेना के सामने ही उनको घुटने टेकने पड़े। उस समय जब ऐसा सिस्टम था कि उसने सेना के परिवारों को चलाया जा रहा था सारे वो थे, ये तमाम चीजें लिखी हुई है तमाम ग्रंथों में, तमाम किताबों में इसका जिक्र है, और विदेशी यात्रियों ने इसका जिक्र भी किया है। जब उस समय उस सिस्टम को चलाया जा सकता था तो आज इसमें इस सिस्टम को तेज क्यों नहीं चलाया जा सकता, तो इनकी असंवेदनशीलता का परिणाम है, यही उसका परिणाम है। क्यों नहीं चलाया जा सकता, क्यों रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, हर 5 साल के 5 साल इनके इनकी स्थितियां क्या है इनके लेबर के सरकारें जो है। अब मजेदार चीज है कि विदेशों में कई स्थानों पर तो ये भी है कि नीचे के कर्मचारी के साथ में गलत करने पर ऊपर वाले अधिकारियों को सजा भी होती है, परंतु छत्तीसगढ़ में या हिंदुस्तान में कितने ऐसे उदाहरण है, ऊपर वाला कुछ भी हुक्म तब चलाएगा और नीचे वाले की कोई सुनवाई नहीं होगी, ऐसा क्यों? नीचे वाला अगर अपने न्याय की बात करेंगे तो ये कई प्रकार की चीजें मैं इसीलिए कहूंगा इस मामले पर। अच्छा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा था, जिस दिन ये मुद्दा सरकार के सामने आया उस दिन भी पुलिस मुख्यालय यदि चाहता कि इनको बुलाते, इनसे बात करते, नहीं भाई आपने ठीक है आपकी बात हमारे सामने आ गई, आप आइए सामने हम बात करते हैं और उसके बाद उस पर निर्णय करते, ये करते, ये ना करने के बजाय इनको उनके अंदर दूसरे किस्म का आंदोलन कर दिया। डायलॉग तो लंबे समय से हो रहा था, हाईकोर्ट में भी याचिका लगी हुई है, हाईकोर्ट में भी इसमें कहा गया कि वो तो बात की बात है हाईकोर्ट की याचिका वगैरह जो है, परंतु अभी जब ये विषय जब सबसे सामने जब आया, सोशल मीडिया के माध्यम से सामने जब आया, तब पुलिस मुख्यालय क्या कर रहा था और तब गृह मंत्री क्या कर रहे थे, ये बड़े दुर्भाग्यजनक चीज है कि जो सेना इनकी सुरक्षा करता है, जो बल इनके सब कुछ का ध्यान रखता है, उसके खिलाफ गृह मंत्री बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अरे हम बर्खास्त करते हैं, लेकिन ये क्या तरीका हुआ, ये उचित नहीं था। ये कहा गया कि हमने 50,000 पुलिस जवानों की भर्ती की, हमने ये फैसिलिटी दी, वैसा किया, वैसा किया, उन चीजों के लिए सरकार को बधाई,
उन चीजों के लिए सरकार को बधाई, परंतु जो चीज सरकार ने की है निश्चित रूप से इस राज्य में बल की कमी थी, नक्सल समस्या से लड़ना था, बल के वृद्धि की लोगों को रोजगार मिला, सरकार को बधाई। परंतु सरकार ये भी तो ध्यान दे कि उसके साथ में न्यूनतम जो जरूरी चीजें हैं उस पर भी, तनख्वाह कितना है, तनख्वाह कितनी श्रेणी के अधिकारी के कर्मचारी, कितनी कितनी श्रेणी के कर्मचारी के बराबर क्या तनख्वाह है। जो लोग बैठे हुए हैं और जो जनप्रतिनिधि होने का दावा करते हैं वो अगर संवेदनशीलता यहाँ पे दिखाया तो उनकी इस तरह की चीजें नहीं खा सकते, क्योंकि देखिए आप संविधान में बदलाव कर देते हो, आप कई सारे ऐसे विधेयक लाते हो और कई सारी ऐसी चीजें होती जिससे सैलरी बढ़ जाती है चाहे तमाम गणमान लोगों की, लेकिन जब पुलिस कर्मियों की बात आती है गौरीशंकर श्रीवास की तो क्यों ऐसा होता है। देखिए मैं बाकी बाकी राज्यों की अपेक्षा इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पुलिस की स्थिति बहुत बेहतर है, और जब से मोदी सरकार है बहुत से ऐसे कानून है जिसका बार बार आप जिक्र कर रहे थे गांधी जी, कई ऐसे कानून आपकी महाराष्ट्र की सरकार है, पड़ोस में आपकी महाराष्ट्र ज्यादा नक्सलवाद नहीं, पार्टी की सरकार है ज्यादा नक्सलवाद नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा प्रभावित है, फिर भी पुलिस को इन्वेस्टर कर रहा है, बिहार है आपकी सरकार है, आप सुन लीजिए ना, दूसरा मोदी सरकार आने के बाद आप देखेंगे बहुत से कानून, मैं बोलता हूँ 100 से ज्यादा कानून को हमने खत्म किया जो ब्रिटिश काल से चलते आ रहे थे, तो देखिए सिस्टम एकाएक नहीं पूरा कलप्स होता, पूरा पूरा सिस्टम बनाने में समय लगता है, बहुत सी यहाँ पे काम हुए, बहुत से काम होने बाकी है। जिस प्रकार पुलिस आंदोलन है सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, कई बड़े अधिकारी यहाँ पे रायपुर के एसएसपी ऐसे ने मार्मिक अपील भी की है कि भाई इस प्रकार की चीजों को छोड़े निश्चित तौर पर बैठ के बात की जाएगी, क्योंकि बाद में आंदोलन का भी स्वरूप वही होता है कि आखिरी में टेबल में बैठना है, तो निश्चित सरकार और उसके प्रतिनिधि बैठ के बात करने में तैयार है, फिर उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी इसमें संलग्न है जो इस मामले को हवा दे रहे, क्योंकि चुनावी मोड में है तो चाह रहे कि चुनाव को देखकर सरकार को बदनाम किया जाए, अनावश्यक दबाव दिखा जाए, ये भी एक तथ्य है इसका। नहीं मैंने उस चीज को बिल्कुल स्पष्ट किया गांधी जी, बहुत सी चीजों को मैं बिल्कुल पूर्व में स्पष्ट किया हूँ, कई ऐसे भत्ते हैं जो बिल्कुल गैरवाजिब है, उसको मैं समर्थन किया हूँ उस बात का, लेकिन जिस प्रकार आंदोलन का स्वरूप तैयार किया गया है, एक इमोशनल एक ब्लैकमेलिंग जिसको बोलते हैं, वो परिवार परिजनों को सामने लाके कुछ लोग पीछे से मामले को हवा दे रहे हैं। देखिए सारे समस्या का समाधान आखिरी में जो भी लोग आंदोलन कर रहे हैं आने वाले समय में, वो लोग आखिर टेबल में बैठना ही पड़ेगा। आंदोलन को समर्थन देने की बजाय एक ऐसा माहौल तैयार करते जहाँ पे डायलॉग हो सकता था, सभी पार्टियों के साथ बातचीत हो सकती थी, आप इसको उचित फंड को उठा भी सकते थे, तो क्या तो विपक्ष में बैठे हुए। देखिए 15 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री इतने घमंडी हो चुके हैं कि कांग्रेस की कोई भी बातों को वो भले कितनी अच्छी बात होने सीधे से नकार देते हैं, चाहे आदिवासी का मुद्दा हो, तो शिक्षा का मुद्दा हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कांग्रेस ने कहा नहीं माना, बाद में जब आंदोलन हुए के चर्चा लगा काफी सारे अपने संस्कार का प्रदर्शन शब्दों का प्रयोग करके अपने संस्कार का प्रयोग मत कीजिए, कांग्रेस पार्टी का संकल्प शिविर नहीं है, इस प्रकार का अपने पार्टी में की गया जहाँ पर शिविर है सरकार के पास, ये मंच है सार्वजनिक मंच है, और जनता देख रही है अपने संस्कार का बदल रहा है, अपनी पार्टी का संस्कार मुहैया नहीं करा सकते, बेहतर चीजें तो मुहैया नहीं करा रहे। जो बात मनीष दयाल जी कह रहे हैं 15 साल जो मुस्लिम मुद्दों को उन्होंने उठाया और उस मुद्दे पर सरकार ने कुछ सुनवाई नहीं, ऐसा लगता है बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार ने सुनवाई की है, जो सुनवाई की है वो सुनवाई की है, और वही बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो उन्होंने कहा वो नहीं भी किया, दोनों चीजें ऐसा नहीं है कि अब वो डब्ल्यू पीटने वाले का अलग है ना, उनकी डब्ल्यू पीटने का अलग है, आंदोलन के बाद अपना या योगदान करने का अलग है, डब्ल्यू पीटने का अलग है, आप दोनों के कथनी और करनी में कितना अंतर है इसको हम ना बताएं और ना वो ना बताए, गांधी जी ना बताए, जनता देखती है कि आप भी वादा करके वादों से मुकरने वालों में आप भी हम किसी से कम नहीं है, और आप भी नहले से दहले के प्रतिस्पर्धा वाली चीजों पर आप भी वादा करके मुकरने के मामले में कम एक्सपर्ट नहीं है। अरे भाई पूरा देश बेचने वाले लोग दिया था, कोई कसर छोड़ी थी क्या? अभी तो 44 में आए आप, और क्यों जनता ने आपको जमीन मिलाया?
लाठी डंडा मारेंगे, गोली मारेंगे, वैसी बात करने लगते हैं। न कली को मारा गोली, न कली की भाषा को मारा गोली, की भाषा में लगा को मारा गोली। आपकी सरकार ने सिर्फ की भाषा बोलने अभी तक हड़ताल को नहीं पकड़ा रहे, आपकी सरकार सरकारी सरकार है। पुलिस की उनके गृह विभाग उनके अंदर में आ जाए, दूसरी तरफ पुलिस पुलिस के तमाम जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं सबसे पहले तो यहाँ पे हड़ताल करने की यहाँ पे चल रहे हैं। वैसे में उसी को लेकर जिस तरह से बुखार में देने वो सुधार अभी कब तक होगा, जिस का सुधरा आ रहा है दुनिया में उसको कब बदलाव होगा ये तो समय ही बता पाए। आप तीनों मेहमानों का आपसे धन्यवाद करना चाहेंगे, आप तीनों मेहमान हमारे पूरे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।